नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं SBI म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप रोजाना 30 रुपए बचाकर 1.64 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल मनी मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 19.97% का है, और पिछले 5 साल का रिटर्न 15.05% का है। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में स्कीम ने 28.03% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का रिटर्न 27.99% है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। SBI की स्कीम का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, यह एक मिड कैप फंड है जो मिड साइज की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे शीला फोम, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, थर्मैक्स, JK सीमेंट, सैफलर इंडिया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी आदि। दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बेहद रिस्की होते हैं, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए और लमसम 5000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 147.72 रुपए चल रहा है। स्कीम का फंड साइज है 6,859 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.03% का। दोस्तों, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके किसी भी FD और RD से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 30 रुपए रोज यानी 900 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करते हैं, तो यह स्कीम आपको कितने साल में कितने रुपए दे सकती है। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 19% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 19% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मानकर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 19% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 36,455 रुपए का। 54,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो 90,455 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,14,612 रुपए का। 1,08,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो 3,22,612 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 7,56,450 रुपए का। 1,62,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो 9,18,450 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 22,31,692 रुपए का। 2,16,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो 24,47,692 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 61,02,547 रुपए का। 2,70,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो 63,72,547 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 19% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.61 करोड़ रुपए का। 3,24,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 1.64 करोड़ रुपए की होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 30 रुपए रोज यानी 900 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करके 30 साल में 3,24,000 रुपए जमा करके 1.64 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।